हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और मैं यहाँ पर आपको जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, और इसमें अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे, पसंद आए, तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है वो विज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन रखे हैं यहाँ पर, ये 6, 7, 8 के सिलेबस से लिया गया है। पहला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ खींचती है? तो इसका सही आंसर है सर आइजेक न्यूटन, यानी कि सर आइजेक न्यूटन ने बताया कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। अगला क्वेश्चन है, जड़ी बूटियों को दवा के रूप में प्रयोग करने वाले महान चिकित्सक का नाम क्या है? वो है चरक। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के महान शल्य चिकित्सक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है सुश्रुत। अगला प्रश्न है, पाई का मान लगभग 3.14 किस भारतीय वैज्ञानिक ने दिया है? तो उसका सही आंसर है आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ कौन थे? तो यहाँ पर जो है श्रीधराचार्य। अगला प्रश्न है, पौधों की संवेदनाशीलता का सबसे पहला पहले पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? वो है जगदीश चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपास्त्र निर्माण में किस दो भारतीय वैज्ञानिकों की विशेष उपलब्धि है? तो उसका उत्तर है एपीजे अब्दुल कलाम, और दूसरे जो है डॉक्टर कस्तूरी रंगन है। अगला प्रश्न है, रोगों से रक्षा के हेतु वैक्सीन का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये है एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला प्रश्न है, पेंसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका उत्तर सही उत्तर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न है, रेडियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो पियरे क्यूरी ने जो है रेडियम की खोज की थी। और पोलोनियम की खोज किसने की थी? तो इसका मैडम क्यूरी है। उसके बाद जो है दूरबीन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका आंसर है गैलीलियो। अगला है, ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। रेडियो की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो मार्कोनी ने की थी। अगला प्रश्न है, परमाणु बम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आटो हान ने की थी। प्राथमिक विद्युत सेल की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो बोल्टा ने की थी। तो याद रखिएगा इसको, बोल्टा ने। डायनोमो की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो इसका सही उत्तर है माइकल फैराडे। अगला प्रश्न है, एक्सरे की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो विलियम रोजेन ने की थी। परमाणु भट्टी की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो इसका सही उत्तर है फर्मी ने की थी। टेलीविजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका सही उत्तर है जॉन लॉगी बियर्ड ने किया था। अगला प्रश्न है, इसरो जिसका पूरा नाम है पूरा नाम क्या है? तो यह है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, पदार्थ की किस भौतिक अवस्थाएं पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं? तो यहाँ पर जो है तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस अवस्था होती है। अगला प्रश्न है, अब तक कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है? तो सही उत्तर है 111 तत्वों की खोज की जा सकती है। और परमाणु शब्द को यूनानी भाषा में क्या कहते हैं? तो एटॉम्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है? तो गोल्ड स्टीन है। इसका सही उत्तर है गोल्ड स्टीन। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता का क्या नाम है? तो सही उत्तर है जीजे थॉमसन। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? तो इसका सही उत्तर है जेम्स चैडविक। फिर अगला प्रश्न है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें ठोस गर्म पदार्थ के बिना द्रवित हुए ही सीधे ऊष्मा में बदल जाते हैं और ठंडा होने पर वाष्प सीधे ठोस में बदल जाता है? तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, वर्ष 1970 में फ्रांसीसी ने मापन को जिस मानक प्रणाली की रचना की उसका नाम था मीटर पद्धति। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1 फुट में कितने इंच होते हैं? तो 12 इंच होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1000 मीटर होते हैं। 1 ईयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? 100 वर्ग मीटर होते हैं। अगला प्रश्न है,
मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं थर्मामीटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? तो इसका जो है उत्तर है -37 डिग्री और 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फारेनहाइट। खेल कूद में सही माप के लिए प्रयोग की जाने वाली विशेष घड़ी का क्या नाम है? उसको कहते हैं विराम घड़ी, इंग्लिश में इसको स्टॉप वॉच कहते हैं। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? तो इसका सही उत्तर है रासायनिक परिवर्तन है। सरल मशीन कितने प्रकार की होती हैं? तो 5 प्रकार की होती हैं। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग पक्षी जो है सबसे बड़ा पक्षी है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है जो सबसे छोटा है। विश्व का सबसे ऊंचा जंतु कौन सा है? तो जिराफ जो है विश्व का सबसे ऊंचा जंतु है। हमारे देश का सबसे ऊंचा वृक्ष का क्या नाम है? तो इसको जो है यूकेलिप्टिस इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं सफेदा। इसका विश्व का सबसे बड़ा विश्व का क्या नाम है? अगर ये भारत का रहे तो यूकेलिप्टिस है, अगर विश्व का कहा जाए तो रेडवुड जिसको सिकोया कहा जाता है, और इसकी लंबाई जो है 110 मीटर ऊंची है। अब अगला प्रश्न है, परपोषी पौधे कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर अमरबेल, बांदा, कुकुरमुत्ता ये जो है परपोषी पेड़ है। रात्रिचर कौन कौन है? तो चिलचट्टा, उल्लू, सियार, चमगादड़ और लोमड़ी है। मनुष्य का जीवन काल कितना माना गया है? तो इसको मनुष्य का जीवन काल जो है 60 से 70 वर्ष तक माना गया है। सबसे कम जीवन काल किस प्राणी का है? तो 1 दिन का जीवन काल जो है मक्खी का है, जो घरेलू मक्खी होती है। सबसे ज्यादा जीवन काल किस प्राणी का है? तो वो है सिकोया वृक्ष। सिकोया वृक्ष वही है जो विश्व का सबसे ऊंचा और लंबा वृक्ष है, और इसकी उम्र जो है 3000 से 4000 वर्ष के लगभग होती है। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेट्स जो है वनस्पति विज्ञान के जनक है। वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो लीनियस को जो है वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो इसका सही उत्तर है अरस्तु जो है जंतु विज्ञान जिसको बायोलॉजी कहते हैं का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक व्यस्त स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों में हृदय की धड़कन कितनी होती है? तो 100 बार प्रति मिनट होती है, यानी कि 3 वर्ष के बच्चे की जो है हृदय धड़कन 100 बार में धड़कती है प्रति मिनट, जबकि सामान्य आदमी की 72 बार में। व्यक्ति की मृत्यु की कितने घंटे के अंदर पुतली निकाल कर संरक्षित कर देते हैं? पुतली मतलब कि आंख का जो होता है, आंख की जो कानिया होती है उसको कितने घंटे संरक्षित कर सकते हैं? तो वो है 8 घंटे। पुतली को कितने घंटों के अंदर जो है किसी भी व्यक्ति के प्रत्यारोपण की जा सकती है? तो वो है 72 घंटे के अंदर अंदर। सबसे अधिक घ्रात शक्ति होती है वो कुत्तों और चींटियों में, यानी कि घ्रात मतलब कि वो सूंघने की। अगला प्रश्न है, नेत्रहीन व्यक्ति छूकर अक्षरों की पहचान कर लेता है, इस पद्धति को क्या कहते हैं? ब्रेल पद्धति कहते हैं। मनुष्य की तंत्रिका तंत्र की कितने मुख्य भाग हैं? तो वो सही उत्तर है 3 भाग हैं। अगला प्रश्न, वायु में सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? तो वो है नाइट्रोजन गैस होती है जो 78% पाई जाती है। प्राकृतिक जल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो वो है समुद्र। प्राकृतिक जल का सबसे बड़ा स्रोत समुद्र है। अगला प्रश्न है, बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि शुद्ध जल का क्वथनांक रहेगा तो 100 डिग्री और बर्फ का गलनांक जो है 0 डिग्री। ये दोनों अलग अलग प्रश्न है। जल कितने प्रकार के होते हैं? जल 2 प्रकार के होते हैं, एक मृदु जल होता है और दूसरा कठोर जल होते हैं। अगला प्रश्न है, NTPC का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है पूरा नाम जो है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियर। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? फल उत्पादन से है। हरित क्रांति जो है फसल उत्पादन से है, और पीली क्रांति का जो है वो तिलहन उत्पादन से है, और नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से है।
ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है। लामा और एल्पेका नामक जंतु कहाँ पाए जाते हैं? वो दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। पश्मीना ऊन किस बकरी से मिलता है? तो ये कश्मीरी बकरी से मिलता है। अंगोरा बकरी कहाँ पाई जाती है? तो ये जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। याक का ऊन कहाँ प्रचलित है? तो तिब्बत और लद्दाख में। रेशम कीटों के पालन पालन क्या कहलाता है? तो सेरिकल्चर, जिसमें रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। सोना यानी कि गोल्ड तत्व का प्रतीक क्या है? AU। पारा तत्व का प्रतीक क्या है? HG। सिल्वर तत्व का प्रतीक क्या है? AG। जल का अणु सूत्र क्या है? H2O। अगला प्रश्न है, चीनी का अणु सूत्र क्या है? तो C12H22O11। ये जो है चीनी का अणु सूत्र है। अगला जो है, नींबू की रस और संतरे के रस में कौन सा अम्ल होता है? तो साइट्रिक अम्ल होता है। सिरका कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। यानी कि सिरका में अलग होता है और नींबू और संतरे में साइट्रिक होता है और सिरका में एसिटिक होता है। और दही में कौन सा अम्ल होता है? तो ये लैक्टिक अम्ल होता है। इमली और कच्चा आम में कौन सा अम्ल होता है? तो टार्टेनिक अम्ल होता है। खाने के सोडा का अणु सूत्र क्या है? Na2CO3। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सूचक कौन कौन से हैं? तो लिटमस, हल्दी, गुड़हल और गुड़हल की पंखुड़िया। ये जो है प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सूचक हैं। ठीक है, नमक का रासायनिक नाम जो है क्या है? नमक का रासायनिक नाम जो है सोडियम क्लोराइड है। डॉक्टरी थर्मामीटर में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो पारा का प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा का मात्रक क्या है? जूल है। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? तो 4.18 जूल होते हैं। अगला प्रश्न जो है, ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां हैं? तो 3 विधियां हैं। एक है चालन, संवहन और विकिरण। अगला प्रश्न है, ऊर्ध्वपातन पदार्थ कौन कौन से हैं? तो कपूर और नसाधर जो है ऊर्ध्वपातन तो हैं। पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं, कृदक, रदनक, अग्रचर और एक जो है चवर्णक। ये जो है 4 प्रकार के दांत होते हैं। दांतों ऊपरी परत क्या कहलाती है? दांतों की ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो इनेमल कहते हैं। हमारे शरीर में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ क्या है? तो इनेमल ही सबसे कठोरतम पदार्थ है। विरामावस्था में व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 15 से 18 बार सांस लेता है। श्वसन तंत्र में कितने अंग सम्मिलित है? तो ये 5 अंग सम्मिलित है। केचुए श्वसन किस के द्वारा लेते हैं? तो त्वचा के द्वारा होता है और केचुए की आंख भी नहीं होती है। मछली में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो गलफड़ों के द्वारा होता है। मनुष्य के रुधिर में कितने भाग होते हैं? तो मनुष्य के रुधिर में जो है